मौजूदा अमरीकी हुकाम के मुकाबले में किसिंजर को चीन में बेहतर रिसाई मिलना अफसोसनाक है। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती काउंसिल के तर्जमान जॉन कर्बी का किसिंजर के दौरा चीन पर रद्दअमल, कहा कि किसिंजर के सफर से आगाह हैं लेकिन ये एक शहरी का निजी दौरा था। बदकिस्मती की बात यह है कि एक निजी शहरी चीनी वजीर दिफा से मुलाकात कर सकता है लेकिन अमरीकी वजीर दिफा लाइट ऑस्टन से बराह रास्त बातचीत से इनकार कर दिया गया था। इंतजामिया के अहलकार साबिक सेक्रेटरी किसिंजर के वापस आने पर उनसे सुनने के मुंतजिर। चीनी हैकर्स ने अमरीकी सफीर का ईमेल अकाउंट हैक कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक चीन में अमरीकी सफीर निकोलस ब्रंस हैकर्स का निशाना बने। मशरकी एशिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी डेनियल कर्टन ब्रिंक का ईमेल अकाउंट भी हैक। डेनियल क्रिटन ब्रिंक ने हाल ही में वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन के साथ चीन का दौरा किया था। हैकर्स ने कॉमर्स सेक्रेटरी जेना रेमंडो की ईमेल्स में भी दरअंदाजी की। ब्लिंकन ने गुज़श्ता हफ्ते ही चीन के आला सिफारतकार वोंग यी के साथ मुलाकात में हैकिंग का मामला उठाया था। इलेक्शन कमीशन का आइंदा इंतखाबात पुरानी हलकाबंदियों पर ही कराने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल कहते हैं कि 12 अगस्त को मुद्दत की तकमील पर असेंबली तहलील हुई तो 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन करा देंगे। इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार हैं। वाटर मार्क पेपर ले लिया, सिक्योरिटी अहलकार लाजमी मिलेंगे। तमाम इदारों से राबते हैं, DRO और RO के लिए अदलिया से रुजू किया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पुरानी हलकाबंदियों पर इंतखाबात की तैयारी कर चुका, नई मरदम शुमारी का नोटिफिकेशन हुआ तो कानून और आईन के मुताबिक फैसला करेंगे। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने मुजव्वजा तरामीम को हतमी शक्ल दे दी। हलकाबंदियां रजिस्टर्ड वोटर्स की मसावी तादाद की बुनियाद पर की जाएं। हलकाबंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के 4 माह कबल मुकम्मल होगा। हलकों में वोटर्स की तादाद 5% से ज़्यादा नहीं होगी। हलकाबंदियों के खिलाफ शिकायत 30 रोज में की जा सकेगी। इलेक्शन कमीशन पोलिंग अमले की तफसीलात वेबसाइट्स पर जारी करेगा। पोलिंग स्टेशन में कैमरों की तंसीब में वोट की राहदारी यकीनी बनाई जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग के लिए मुजव्वजा तरामीम की कौमी असम्बली और सैनेट से मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक्तसादी राबता कमेटी का इजलास। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए 42.5 अरब रुपए की मंजूरी। इलेक्शन कमीशन को इब्तदाई तौर पर इलेक्शन की तैयारियों के लिए 10 अरब रुपए दिए जाएंगे। फंड्स की फराहमी की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। इलेक्शन कमीशन ने वजारत ख़जाना से इलेक्शन के लिए 42.5 अरब रुपए के फंड्स मांगे थे। मुल्क को सख्त मेहनत और लगन से तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। मुआशी बहाली के मंसूबों को तमाम स्टेक होल्डर्स की हमायत हासिल है। मुआशी मंसूबों पर अमल दरामद से मुल्क को खुशहाल बनाएंगे। IT बरामदात को 20 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक फौज के ताबुन से मुनक्किदा IT सेमिनार से खिताब। इस्लामाबाद में कौमी IT सेमिनार में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। वजीर आजम ने मजीद कहा, अगले चंद माह में बहुत से मंसूबे कौमी धारे में शामिल होंगे। नौजवानों को IT में तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। सिफारती दस्तावेजात जाती मकासद के लिए गुम करने पर उम्र कैद। साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर 14 साल की सजा हो सकती है। FIA साइफर के मामले की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इंक्वायरी करेगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि चेयरमैन PTI ने कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाया। साइफर पब्लिक किया जा सकता है, ना किसी से शेयर। कौमी सलामती को पसे पुश्त डालकर साइफर का सियासी तौर पर बेदरेख इस्तेमाल किया गया। आजम खान के बयान ने वाजे किया कि कैसे साइफर को बयानी के लिए इस्तेमाल किया गया। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में अहम पेशरफ्त। चेयरमैन PTI के खिलाफ गवाहों के बयानात कलमबंद। इलेक्शन कमीशन के दोनों गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए। आइंदा समाअत पर गवाहों पर जरा की जाएगी। वकील की चेयरमैन PTI की गैर मौजूदगी में बयान रिकॉर्ड ना करने की इस्तिदा मुस्तरद। अदालत ने चेयरमैन PTI की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना केस की मजीद समाअत आज होगी।
मानसून का दूसरा स्पेल, मुल्क के बेशतर इलाकों में वक्फे-वक्फे से बारिश, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने से मौसम खुशगवार। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रावलपिंडी में नाला लई का दौरा, कटारिया ब्रिज के करीब पानी के बहाव का मुआयना, आबादियों का जायजा लिया, बोले मजीद बारिशों की पेशगोई है, तमाम इदारे अलर्ट रहें, नागहानी सूरत हाल में लोगों का इंखला पहली तरजीह होनी चाहिए। बारिशों के दौरान रावलपिंडी की इंतजामिया ने अच्छा काम किया, कोशिश होगी नाला लई मनसूबा शुरू किया जाए, नालों के इर्द गिर्द तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज का पहला टेस्ट जीत लिया, गोल टेस्ट के आखिरी रोज पाकिस्तान ने जीत के लिए 131 रन का हदफ 6 विकेटों पर हासिल किया। दूसरी इनिंग्स में इमामुल हक ने 50 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, सोट शकील ने तेज खेलते हुए 30 रन बनाए। पहली इनिंग्स में रिकॉर्ड साज डबल सेंचुरी बनाने पर सोट शकील प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल, बाबर आजम ने कामयाबी टीम वर्क का नतीजा करार दिया, बोले एक साल बाद फतह मिलने पर एतमाद बढ़ेगा। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी जका अशरफ की कौमी टीम को गोल टेस्ट जीतने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के गवाह वक्कास ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। बयान रिकॉर्ड कराने के दौरान पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस का एतराज, कहा यह सुनी सुनाई बातें कर रहा है, इसे खुद नहीं पता कि इसके 116 सफात पर मुश्तमिल बयान में क्या लिखा है, गवाह ये सफ़े गिन भी नहीं पाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुमायूं दिलावर ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस की समाअत की। तोशाखाना केस के पहले गवाह डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वकास मलिक ने अपना बयान कलमबंद कराया। पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस ने गवाह पर एतराज आयद किया। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा कि गवाह का 116 सफात पर मुश्तमिल बयान अदालती फाइल का हिस्सा है। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये उनसे कलवा रहे हैं, हम कहते हैं गवाह सुनी सुनाई बात कर रहा है, हम आपको बता दें ये तमाम दस्तावेजात अपने ब्रीफ केस से निकाल कर दे रहे हैं। ख्वाजा हारिस ने ये 116 सफात गिन कर दिखाएं। ख्वाजा हारिस के एतराज पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि आप पिछले 7-8 माह से गवाह को पढ़ा रहे हैं, अभी खुद बात करने दें। बैंक अकाउंट की तफसीलात के हसूल के लिए स्टेट बैंक को लिखा गया खत अदालत में पेश किया गया तो ख्वाजा हारिस ने इस पर भी एतराज आयद किया। दौरान समाअत पीटीआई वकला के बार बार बोलने पर जज हुमायूं दिलावर ने इजहार भरमी करते हुए कहा, आप अदालत को कंडक्ट ना सिखाएं, अपना रवैया देखें। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने शिकवा किया कि ख्वाजा हारिस ने दौरान वक्फा चाय ऑफर नहीं की। इस पर जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि तराजू को हम अभी बैलेंस कर लेते हैं। इसके साथ ही जज हुमायूं दिलावर ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज के लिए दौरान समाअत चाय मंगवा दी। गवाह पर जिरह के लिए समाअत पीर